Good morning, cadets. I, third officer Babita Parmar, welcome you all in my channel. Cadets, मेरे पास बहुत सारे cadets का ये सवाल आ रहा था कि हमें रैंक किस तरह से मिलते हैं. तो आप सभी को बता दूं, जैसे ही आप NCC ज्वाइन करते हैं तो आपको पहला रैंक मिल जाता है जो कि है कैडेट का. आप अपना इंट्रो दे सकते हैं, माई नेम इज़ या आई एम कैडेट सो एंड सो. उसके बाद आता है लैंस कॉर्पोरल का, जिसको कि LCPL कहा जाता है. ये एक वी आकार की फीती है जो कि आपके राइट आर्म के ऊपर लगाई जाती है. और इसके लिए कुछ तीन कंडीशंस हैं जो कि आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए. पहली ये कि आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होनी चाहिए और आपने 75% परेड अटेंड की होनी चाहिए. उसके अलावा आप पास कर चुके हों ड्रिल, मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट के टेस्ट को. और अगला रैंक है हमारा कॉर्पोरल का, जिसको कि आप CPL भी बोलते हैं. इसके लिए दो कंडीशंस की ज़रूरत है कि कैडेट को LCPL की पोस्ट पर 6 महीने के लिए रहना होना चाहिए. LCPL आपको याद है, दैट इज़ लैंस कॉर्पोरल. और वेपन ट्रेनिंग का टेस्ट कैडेट ने पास किया होना चाहिए. नेक्स्ट अब आते हैं हम सार्जेंट पे. ये कॉर्पोरल के बाद का रैंक है, इसको SGTV कहा जाता है. इसमें आप देखेंगे कि 3 फीतियाँ हैं और इसके लिए 2 कंडीशंस की ज़रूरत है कि कैडेट को 2nd ईयर में होना चाहिए और जो कॉर्पोरल रैंक है उस पर वह 6 महीने तक रह चुका. नेक्स्ट है कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट CQMS, बिल्कुल वैसा ही जैसा सार्जेंट की 3 फीतियाँ हैं. उसके अलावा ऊपर आप देखेंगे इसमें भारत का प्रतीक का निशान यानी कि एम्बलम ऑफ इंडिया बना हुआ है. कंडीशन सेम है जो सार्जन के रैंक की थी, यानी कि कॉर्पोरल की पोस्ट पर 6 महीने तक कार्यरत होना चाहिए और कैडेट को 2nd ईयर में होना चाहिए. अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ कॉलेज लेवल के कैडेट्स के लिए जो रैंक्स होते हैं वो क्या हैं. कॉलेज में आप लोगों को स्कूल के जो रैंक्स हैं उनके अलावा 2 एडिशनल रैंक्स मिलते हैं, जिसमें पहला है जूनियर अंडर ऑफिसर. ये रैंक जो है आपके कंधों पर लगाया जाता है. इसमें आप देखेंगे कि एक फट्टा रेड कलर का रेक्टेंगुलर शेप में है और आगे से पॉइंटेड किया हुआ पट्टी है. इस पे एक ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है और एक गोल्डन बटन है जिसके ऊपर NCC लिखा हुआ है. ये जूनियर अंडर ऑफिसर का रैंक है और इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो ये है कि आपको सार्जेंट की पोस्ट पर 6 महीने तक कार्यरत होना चाहिए और आपके बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे अंक आने चाहिए. कॉलेज लेवल पर लैंस कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, सार्जेंट, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, ये रैंक तो ऑलरेडी है ही, इसके अलावा ये रैंक आपको मिलता है बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने के बाद जूनियर अंडर ऑफिसर. और ये है आपका अब सीनियर अंडर ऑफिसर का रैंक. इसमें देखिए ये रैंक बिल्कुल ही आपका जूनियर अंडर ऑफिसर जैसा ही दिख रहा है, लेकिन स्ट्रिप पे ध्यान देंगे तो इसमें 2 स्ट्रिप्स लगी हुई हैं. और सीनियर अंडर ऑफिसर के रैंक के लिए कैडेट को 6 महीने के लिए जूनियर अंडर ऑफिसर रहना होता है. ये जो फीती इसमें ब्लैक है, आप कैंप्स में देखेंगे कि कुछ जो आपके सीनियर विंग के कैडेट्स हैं उनकी ये ब्लैक फीतियाँ जो हैं गोल्डन कलर की होती हैं. उसको हम GSUO गोल्डन रैंक बोला जाता है. गोल्डन स्ट्रिप डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मली ये ब्लैक होती है, लेकिन जिनमें ये गोल्डन है इसका मतलब है कि वो जो कैडेट्स हैं वो नेशनल लेवल पर डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं. जैसे कि उन्होंने रिपब्लिक डे कैंप किया हुआ है, वो ऑल इंडिया थल सेना कैंप, नॉर्मल सिंपल TSC के कैंप्स यानी कि थल सैनिक कैंप कर चुके हैं, या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं. उन कैडेट्स के जो अंडर ऑफिसर्स, वो जो कैडेट्स हैं उनको जब अंडर ऑफिसर का रैंक मिलता है, चाहे उनको जूनियर अंडर ऑफिसर का मिल रहा है या सीनियर अंडर ऑफिसर का रैंक मिल रहा है, तो उनके इसमें गोल्डन फीतियाँ लगी होती हैं ब्लैक फीतियों की जगह.
और लास्ट में मैं आपको ये टेबल दे रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। एनसीसी में आपके तीनों विंग्स हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो सभी के इक्विवेलेंट रैंक्स इस टेबल पे दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर लें।